उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है, जिसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश और प्रदेश की जनता ने भाजपा को हमेशा प्यार और सम्मान देने का काम किया है। मोदी जी और योगी जी ने जो देश और प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम किया है, सभी धर्मों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाना, सभी को एक साथ लेकर चलना, किसी भी जाति विशेष से बिना भेदभाव किए सभी के हितों में अनेकों योजनाएं लाना और उनका लाभ दिलाना, उनका सबको भाजपा ने अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर कार्य किया है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का कार्य किया है। आपके सहारनपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य किया है, जिस पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। आपके सहारनपुर को मां शाकंभरी विश्वविद्यालय अगर किसी ने देने का काम किया है तो वो हमारी भाजपा सरकार है, योगी जी हैं, तो सब मुमकिन है। वहीं भागीरथ जयंती पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सैनी समाज के लोगों को उप मुख्यमंत्री ने बताया और कहा कि सहारनपुर का सैनी समाज मेरी तरफ उप मुख्यमंत्री है और 2024 में सब लोग मिलकर दोबारा एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का काम करेंगे। इस बार पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं। यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना है, यद्यपि उत्तर प्रदेश उसमें बहुत आगे है। सहारनपुर में भी तीव्र गति से हर घर नल से जल पहुँचाने और जहाँ से होकर पाइपलाइन जाए उस मार्ग को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जो हमारे राशन के उपभोक्ता हैं, समय से राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। आयुष्मान भारत कार्ड के जो लाभार्थी हैं उनको इलाज की सुविधा मिले और बड़ी संख्या में कुछ वंचित थे उनके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य योजना में भी उनको लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण या शहरी, उस दृष्टि से भी सरकार ने प्रयास किया है और जिला एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने का काम किया है। मैं इतना ही आज यहाँ पर कह सकता हूँ कि आज हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है उसके नाम के प्रस्ताव का यहाँ माननीय जनप्रतिनिधिगणों ने कहा है कि उसको बदलने का, स्वागत प्रस्ताव भेजने का मिनट्स के माध्यम से यहाँ से जाएगा, लेकिन सरकार सहारनपुर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। पॉपुलर के जो किसान हैं, अभी 40 आरा मशीनों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसे और बढ़ाने का प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है माननीय उच्च न्यायालय और एनजीटी के माध्यम से। 1900 जो मशीनें हैं उनको चालू करने के लिए प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो प्रदेश में विशेष तौर से हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री भी आपके ज़िले से ही हैं और वहाँ पर भी जो आवेदन करेगा उनको भी फैसिलिटी उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। मैं बहुत सारी बातें हैं, अभी आज सब आप जानते हैं कि जिन्होंने इस धराधाम पर पतित पावनी माँ गंगा को लाने के लिए घनघोर तपस्या करके और गंगा मैया को धरती पर लाए हैं, मैं प्रयागराज का हूँ, क्योंकि गंगा मैया वहाँ नहीं पहुँचती तो शायद प्रयागराज में जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है उस क्षेत्र से मैं आता हूँ, या कहने का गौरव मुझे नहीं मिल पाता, लेकिन आज इस बात का गर्व है कि उन्हीं की जयंती समारोह में मैं शामिल होऊंगा। इतना निवेदन है, कोई एक का सवाल हुआ आपको? शोहरतगढ़ तहसील सभागार में तहसीलदार व लेखपाल संघ के अध्यक्ष मीटिंग के दौरान आपस में भिड़े। तहसील सभागार में कृषि विभाग की हो रही थी मीटिंग। मीटिंग के दौरान आपस में भिड़े तहसीलदार व लेखपाल, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। आज का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। कासगंज जनपद के कस्बा गंज डुंडवारा स्थित नाथू राम सुशीला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में तेज गर्मी के चलते 5 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। सिरदर्द, उल्टी व चक्कर आने की शिकायत पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों को उपचार दिलाया गया
और छात्राओं के परिजनों को इसकी सूचना दी। सीएचसी की स्वास्थ्य टीम ने विद्यालय पहुंच मामले की जानकारी कर छात्राओं का हाल जाना। परिजनों के मुताबिक छात्राओं के स्वास्थ्य में सुधार है। बता दें कि कस्बा के नाथूराम सुशीला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में शुक्रवार को गृह परीक्षा के दौरान कक्षा 9 व 11 की 5 छात्राओं ने दर्द व उल्टी आने की शिकायत शिक्षकों से की। सूचना प्रधानाचार्य गिरीश कुमार तक पहुंची। प्रधानाचार्य ने बिना देरी किए बच्चों को उपचार दिलाया। छात्राओं के बीमार होने की खबर फैलते ही सीएचसी की स्वास्थ्य टीम विद्यालय पहुंच गई। चिकित्सकों ने छात्राओं के बीमार होने की वजह बदलते मौसम व हीट स्ट्रोक को बताया। पुरस्कार वितरण हुए थे। तो कितने बच्चे बीमार हो गए थे? लगभग 10-15 हुए होंगे। किसी डॉक्टर का स्कूल वालों ने दिखाया? हाँ, एक आध दिखाए थे, ज्यादा नहीं। तकलीफ में तो काफी बच्चे हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन डॉक्टरों को नहीं दिखाया जा रहा है। एमपी के गुना राघोगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत आवन में गौशाला की गाय खेतों में चरने के लिए गई थी। आपस में दो गाय लड़ गई, जिस कारण पास के कुएं में गाय गिर गई। मौके पर गौशाला के अध्यक्ष मंगल सिंह लोधा पहुंचे और उनकी टीम के द्वारा रेस्क्यू करके कुएं में गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सबसे अच्छी बात ये थी कि कुएं में पानी नहीं था, जिस कारण गौ माता की जान बच गई। राजस्थान के 12 अंता के निकटवर्ती खजुरना कला में करंट की चपेट में युवक की मौत। मामले में बागरी समाज के दर्जनों महिला पुरुषों द्वारा अस्पताल के सामने रोड जाम करते हुए मुआवजे की मांग की गई। बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा समझाइश करते हुए जाम को हटवाया गया। बता दें कि गुरुवार साय को खजुरना कला ग्रेड पर प्राइवेट कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से गोलू नामक युवक की मौत हो गई थी, जिससे गुस्साए परिजनों द्वारा अस्पताल में हंगामा करते हुए शव को लेकर आई विद्युत विभाग की गाड़ी के चालक के साथ मारपीट की गई तथा शव को गाड़ी में डालकर खजुरना ले गए, जिसके बाद अंता मोचरी में लाया गया। शुक्रवार को सवेरे बागरी समाज के दर्जनों महिला पुरुषों द्वारा मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर अस्पताल के सामने रोड को जाम किया गया, जिसे बाद में थाना अधिकारी राम लक्षण गुर्जर द्वारा समझाइश करते हुए हटाया गया। मामले परिजन से क्या समझाइश की थी? युवक की मौत का कल बिजली ये बिजली के लाइन से चिपक के, जैसा कि इनके परिजन बोल रहे हैं, ऐसी सूचना मिली थी रात को। और उसके बाद इसके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर आए थे, और साथ ही यहाँ पर लगभग 100 से 150 लोगों की यहाँ भीड़ थी, जिनके परिजनों से भी बात की और इनके समाज के जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे बात की, और हर संभव प्रशासनिक सहायता, पुलिस सहायता एवं बिजली विभाग के माध्यम से जो भी सहायता इनको दी जाएगी उनमें चिरंजीवी दुर्घटना बीमा का इनको आश्वासन दिया। इसके अलावा अगर बिजली विभाग की गलती के कारण व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसमें बिजली विभाग के एक्सीएन लेवल के जो कर्मचारी अधिकारी है उनके द्वारा जाँच की जाएगी। 4 अधिकारियों की जांच कमेटी बैठेगी, उसके माध्यम से सरकार की तरफ से जो इनके 5 लाख रुपए बिजली विभाग की गलती की वजह से जो मिलते हैं, अगर मृत्यु होती है तो वो मिले जाएंगे। इसके अलावा चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के जो भी पैसे 10 लाख सरकार देती है वो देंगे। इसके अलावा सभी प्रकार की जो जाँच है उनको त्वरित गति से कार्य करने का, और जितने भी प्रकार की इनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है उनका जो प्रोसेस है वो त्वरित गति से करने का आश्वासन दिया है। इससे परिजन संतुष्ट हुए और उसके बाद पीएम किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एमपी के बैतूल में हजरत सैयद भूड़ वाले बाबा की सालाना उर्स के आज दूसरे दिन मुकाबला एक कव्वाली में जाहिर उन्होंने देर रात तक कव्वाली का लुत्फ उठाया और चादर पोशी कर मन्नत मांगी। इससे पहले जलसा ए ईद मिलादुन्नबी में उलेमाओं ने लंबी तकरीर कर लोगों को झकझोर दिया। कल शुक्रवार को मुकाबला एक कव्वाली के बाद कुल की रस्म के साथ ही उर्स का समापन हो जाएगा। नगर के कछला रोड स्थित ऐतिहासिक दरगाह हजरत सैयद भूड़ वाले बाबा के सालाना उर्स के आज दूसरे दिन दिल्ली के मशहूर दिलबर सुल्तानी कव्वाल और नैनीताल से महताब साबरी कव्वाल के बीच जवाबी मुकाबला हुआ, जिसमें उर्स कमेटी के संचालक असलम मुल्लाजी ने जीत का खिताब महताब साबरी को देते हुए कव्वाल की हौसला अफजाही की। 3 दिवसीय उर्स के दौरान कव्वाल दिलवर सुल्तानी ने कहा, जब से तुमको देखा है और कुछ नहीं जचता। मेहताब साबरी कव्वाल ने कुछ यूं कहा, चौखट पे अकीदत से जो कोई भी आया है, सैयद का कर्म ये है उसे अपना बनाया है।